दोस्तों, मैं आपके सामने आज आया हूँ। मैंने सबसे पहले आर्मी में सर्विस की, 68 में भर्ती हुआ, दो लड़ाइयाँ लड़ी। और सबसे ज़्यादा मुफीद आप लोगों के लिए चाहिए क्या? अध्यात्म शिक्षा। इसमें आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं, सिर्फ समय। आदमी बोलते हैं, इंसान बोलता है, मेरे पास समय नहीं। भाई, अगर आप ड्यूटी पर भी हैं तो भी रात में समय निकाल सकते हैं। एक नींद लेने के बाद, 2 बजे के बाद आप आध्यात्मिक साधना कीजिए, और लड़ाई कहीं पर भी हो उसमें आप सुरक्षित रहेंगे। और जो भी आपको मिलेगा, जो जितना मांगते हो उससे ज़्यादा मिलता है। आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आप किताबें पढ़िए, साधु संन्यासियों की संगत कीजिए, अपने जब मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान खुद ही होने लगता है। ये नहीं कि किताबों में जो चीज़ पढ़ी जाए तो उसी से हो। और जो भी वैज्ञानिक शिक्षा या सामाजिक शिक्षा है वो पैसा खर्च करके मिलती है। आध्यात्मिक शिक्षा स्वयं आपकी आत्मा से मिलती है, और इस आत्मा को जब आप जागृत करते हैं तो उसके लिए निश्चित समय, निश्चित टाइम, निश्चित काल, निश्चित दिशा, ये 3 बातों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले क्या है? निश्चित समय, निश्चित दिशा और निश्चित काल। इन 3 बातों का आप ध्यान रखें तो आपको जितनी जल्दी आध्यात्मिक सिद्धि होती है उससे अधिक समय में वैज्ञानिक और लौकिक पर सिद्धियाँ होती हैं। इन्हें पैसा आपको खर्च करना पड़ता है, और आध्यात्मिक शिक्षा में, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, जिस भी परमात्मा पर, देवी देवता या निराकार साकार, जिस पर भी आपका विश्वास हो उसका त्रिकुटी ध्यान कीजिए। दोनों भवनों के बीच में आप ध्यान कीजिए उस मूर्ति का, और आपको वो मूर्ति आपको सब कुछ बताना शुरू कर देगी, लेकिन संकेत मात्र। और जब आपकी साधना गहन हो जाएगी तो वो आपको जैसे आकाशवाणी होती है ना, ब्रॉडकास्ट, इसलिए वो आपको सपने में या बैठे में आपको 24 घंटा पहले सब आभास करा देगी। चाहे आपका दुख हो, चाहे सुख हो, जो भी विपदा पे आने वाली होगी वो 24 घंटा पहले आपको आभास हो जाएगा। इसलिए मेरा सभी बहन भाइयों से निवेदन है कि किसी भी टाइम पे आध्यात्मिक साधना, जितना आपको टाइम मिले, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना कर सकें समय के अनुसार उसे आपको करना चाहिए। इससे आपका जीवन कल्याणमय होगा, परिवार सुखमय बीतेगा, और जो भी चाहोगे वो मिलता रहेगा। दुनिया में कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, सब जो आप चाहोगे वो आत्मा ही से प्रकट होता है। लोग आप बोलते थे मैं पत्थर चला रहा था, भगवान में लगे, वो आत्मा की शक्ति होती बच्चों, जो आत्मा में सब है। क्यों? आत्मा ये परमात्मा का अंश है। जब इतना अट्रैक्टिव हो जाता परमात्मा का अंश तो उसमें परमात्मा प्रकट हो जाता है। इसलिए हमको आत्मा पर विश्वास रख करके किसी की भी साधना जरूर करनी चाहिए, और अधिकतर अधिक बुराइयों से बच के रहना चाहिए। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती तो भगवान से क्षमा मांगते हो, क्षमा हो जाती। जान बूझे अगर आप गलती करते हैं तो वो क्षमा नहीं होती। इसके लिए सबसे पहले आदमी चरित्रवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, सत्य भाषण होना, सत्य बोलने वाला होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन विजय आपकी हर समय होती रहेगी। जय हिंद, भारत माता की जय हो।